तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जीवित हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में। वो, वो, वो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरे वादों पर ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Put on the garments of praise for the spirit of heaviness, let the oil of gladness from your throne. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Your joy is my strength alone, my strength alone. Your garments of praise for the spirit of heaviness and the oil of gladness down from your throne. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Your joy is my strength alone, my strength alone. Main hoon atal tere vaadon par na koi shastra rokega mujhe, zanjeeron ko toda है तूने।
चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा Put on the garments of praise for the spirit of heaviness and the oil of gladness down from your throne. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Your joy is my strength alone, my strength alone. Thanks everyone for joining for another online service. सभी का धन्यवाद है एक और सभा में जुड़ने के लिए. Today's message is really special for me, although I have given it last week in the Sunday evening service. आज का जो संदेश मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ मेरे लिए बहुत विशेष है. वैसे तो मैंने इसे पहले से ही बांटा हुआ है शाम की कलीसिया में. But I've really learned a lot from this message myself. So I really want to encourage you to hear it very well because it just teaches us something really special about our God. और ये जो संदेश है इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने क्योंकि ये कुछ विशेष बातें बताता है हमारे परमेश्वर के बारे में. And you might have heard it before, but it becomes really a strong word in your heart and you can understand his goodness so well because of these certain points. और वैसे हो सकता है कि आपने ये जो बिंदु है पहले सुन रखे हो थोड़े से, लेकिन कई बार ये बहुत ही ज्यादा विशेष बन जाता है आपके जीवन में जब आप उसको ध्यान पूर्वक सुनते हो और ये आपके जीवन में कार्य भी करने लग जाता है. So God bless you as you hear the message. और परमेश्वर आपको आशीषित करे जिस तरीके से आप इस संदेश को सुनते हैं. Amen. Praise the Lord. सभी को जय मसीह की. Can we all just look around and thank the Lord for another opportunity where we can meet here. हम जो अपने आसपास जो एक दूसरे को हाथ हिला के जो उनका स्वागत कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि फिर से एक मौका दिया कि हम सब मिल सके. Okay, so praise God for everyone and everyone watching online. और परमेश्वर का धन्यवाद जो कोई यहाँ उपस्थित है या जो कोई जो है ऑनलाइन इसे देख रहा है. We are straight away going to go in the word of the Lord and we will do the offering later. और हम सीधे जो है अभी हम जो परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और हम जो है दान और दशांश बाद में हम इसमें जाएंगे. बट बिफोर वी गो इनटू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड आई वांट टू प्रे फॉर द फाइनेंसेस ऑफ एवरीवन. और इसके पहले कि हम जब परमेश्वर के वचनों में से हम जाने और समझे उसके पहले जो है मैं आप सभी के जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर प्रार्थना करना चाहूंगा. कैन यू क्लोज आवर आईज, वी विल गिव लेटर बट यू नो लेट्स प्रे फॉर द फाइनेंसेस राइट नाउ. हम जो है अभी अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं. फादर लॉर्ड वी जस्ट कम बिफोर यू. पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं. We want to give you the honor through our money. और हम जो है आपको अपने रुपयों पैसों के जरिए आपको आदर देना चाहते हैं. And because of you, we claim that our money is holy. और केवल तेरे कारण ही जो है हम इस बात को हम कहते कि हाँ हमारा जो पैसा है वो पवित्र है. And that's why Lord, you need to protect it because it's holy and it belongs to you. और इसीलिए प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो है उसे संरक्षित कीजिए क्योंकि वो तुझ तेरे लिए ही है. Protected against any fraud. और आप जो है उसे किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से आप बचाइए. प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी बैड इन्वेस्टमेंट. और आप जो है उसे किसी भी प्रकार के बुरे निवेश से बचाइए. गिव मी एवरीथिंग दैट आई हैव लॉस्ट लॉर्ड. और आप मुझे जो वापस वो सारी चीजें आप मुझे दे दे जो
कहीं भी जिसे मैंने गवा दिया हो. Father Lord, I pray all my stuck money come back in the name of Jesus. और मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जो उसे जोर से कहता हूँ कि जहाँ भी मेरा पैसा फंसा है वो वापस मेरे पास आ जाएगा. Like as the Israelites had that all that money when they were leaving Egypt, similarly, Lord Father, I want to be a son of God. I want to be a son of Israel and understand this that you are going to give me back. और जिस तरीके से प्रभु जी इसराइली इस बात को जानते थे समझते थे कि वो जो है तेरी संतान है और तेरे पुत्र है, इसी बात को मैं समझता हूं तेरे पीछे चलता हूं. इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से. आमेन, आमेन, आमेन. लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. आइए हम जो है वचनों में आगे हम बढ़े. अब टुडे आई वांट टू शेयर दैट व्हेन गॉड गिव्स और व्हेनेवर ही प्रोवाइड्स ही हैज गॉट अ एलिमेंट ऑफ अबंडेंस. वी ऑल नो दैट. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पढ़ा भी है और हमने समझा भी है कि जब परमेश्वर आपको कोई चीज देता है तो वो बहुतायत के साथ देता है. एंड व्हेन ही गिव्स इन अबंडेंस देयर इज सर्टेन यूनिक थिंग्स अबाउट इट. और जब वो बहुतायत के साथ देता है तो उस बहुतायत में कुछ बहुत ही अलग बातें होती हैं. सो टुडे आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर ही गिव्स और व्हेनेवर ही टचेस समथिंग ही एड्स टू द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द पावर ऑफ इट, यू नो, थ्री थिंग्स. और जो है मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुतायत से जब वो देता है तो वहां पे तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा. पहला तो वो है कि वो उसको बहुत ज्यादा प्रमाण में देता है और जो उसकी गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है. और तीसरी जो बात होती है वो बहुत पावर, सामर्थ्य, वो बहुत सामर्थ्य के साथ उसे देता है. सो द फर्स्ट थिंग इज ही इंप्रूव्स द क्वालिटी. जो पहली बात वो है कि वो उसकी गुणवत्ता को जो है बढ़ाता है. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट जीसस डिड द फर्स्ट मिरेकल ऑफ यू नो टर्निंग वाटर इनटू वाइन. और हम सब कुछ जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो पहला चमत्कार किया था उसने जो है पानी को दाख मधु में जो है दाख रस में जो है उसको बदल दिया था. बट व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट वाइन. लेकिन जो उसके जो गुणवत्ता थी उस दाख रस की वो कैसी थी. इट वॉज द बेस्ट वाइन दे एवर हैड. वो सबसे अच्छे प्रकार का दाख रस था जो कि उन्होंने कभी पिया हो. दे कुडंट इवन थिंक ऑफ दैट वेयर इज दिस वाइन प्रेस, वेयर डू यू गेट दिस ग्रेप्स, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दिस वाइन इज सो इनक्रेडिबल. क्योंकि वो और वह जो है उसके इस बात के जो है वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनके जो है वो जो अंगूर का फल है वो कहां से मिला है, किस तरीके से उन्होंने उसके रस को निकाला, क्योंकि वो इतना अच्छा था. नाउ वन थिंग आई हैव वंडर्ड दैट इन द बाइबल वंस जीसस डिड दैट मिरेकल पीपल शुड हैव कॉल्ड जीसस टू अदर वेडिंग्स एंड टोल्ड देम Lord, can you just touch our wine? Because, you know, we want more taste in it. We want that taste, you know. But those kind of miracles are not there. Perhaps because people thought that Jesus is only going to work where there's a lack of wine. People didn't think that he's just going to change the quality of wine. You know, is everybody with me in this? Yeah. Is a lot of times we also think like that. We think that where there's less, then God's going to provide. Where there's, you know, no money in the pocket, then he's going to provide. But God can do something else also. You know, whatever you have, he can bless the quality of it. You know, whatever you have, you can bless the quality of it. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने जो है पहली बार उस पानी को दाखरस में जो है बदला, तो उसके बाद लोगों के मन में ये विचार आया कि आओ हम अपने जो है शादी ब्याह में जो है यीशु मसीह को आमंत्रित करें और ताकि वहां पे हमें वैसी ही जो है दाखरस मिले. लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उसी गुणवत्ता का जैसा उन्होंने पहली बार चखा था उसी गुणवत्ता के साथ उनको मिले, उन्होंने ये नहीं सोचा होगा. इसलिए हम भी कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं कि और हम सोचते हैं कि जहां हमारे पास में कमी या घटी है वहां पे हम यीशु मसीह को बुलाए ताकि हमारी कमी घटी पूरी हो जाए. परंतु कभी हम ये नहीं सोचते कि अगर यीशु आएगा हमारे जिंदगी में तो वो कमी घटी नहीं परंतु एक गुणवत्ता को बढ़ाकर चीजें हमें देगा. आई रियली विश दैट मैथ्यू और जॉन वुड हैव रिटन डाउन what was the taste of that fish that Jesus created. You know, I really wish that was there because I know that the quality of that fish would have been superb. और मेरी जो है ऐसी इच्छा है कि वहां पे अगर मत्ती या फिर योहन्ना ने जब उन वचनों को वो लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा होता कि जो यीशु मसीह ने वहां पे जो मछलियां वहां पे जो है बनाई थी और जो मछली एकदम से आ गई थी उसका स्वाद कैसा रहा होगा. मेरी इच्छा है अगर वो उस बात को भी लिखते अगर तो. ओके, हाउ मेनी वांट अ बेटर स्किन, रेज योर हैंड. हमें से कौन चाहता है कि उनकी जो है तो त्वचा जो है बहुत अच्छी हो, बहुत मुलायम हो, बहुत अच्छी हो. ओके, वंडरफुल स्किन, बहुत अच्छी स्किन. ओके, यू नो जीसस डिड वंस अ मिरेकल. यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया है. जीसस गॉड डिड द मिरेकल ऑफ नेमन. और पिता परमेश्वर ने ये चमत्कार किया है नामान के साथ. एंड व्हेन नेमन गॉट द न्यू स्किन, द हिज लेपर फ्री स्किन. और जब नामान को जो है उसको जो त्वचा मिली जो जो कोढ़ से जो रहित थी वो जो त्वचा थी उसकी. व्हाट वाज द स्किन लाइक, वाज इट लाइक
25-year-old skin living in with you know, he was a warrior with all those scars, or was it a skin just without leprosy? Was it like that? It wasn't like that. You know, Bible says his skin was as good as a newborn baby. और वहां पे क्या है, उसके साथ ऐसा हुआ नामान के साथ में कि जब उसकी जो है यीशु, जब परमेश्वर ने उसकी त्वचा को जब बदला और कोढ़ रहित किया, तो क्या उसकी त्वचा वैसी थी जो उसके उम्र के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जो है योद्धा था और उसके शरीर में बहुत जगह जो है घाव लगे हुए थे तलवारों के या बाकी चीजों के, परंतु बाइबल हमें बताती कि जो उसकी त्वचा थी वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान कोमल थी। I think in the entire territory of Syria and Israel, he would have been the best as far as skin is concerned. और मुझे इस बात का बिल्कुल विश्वास है कि जो उसकी त्वचा है वो पूरे सीरिया और पूरे जो है उसके आसपास के इलाकों में भी सबसे अच्छी त्वचा उसकी रही होगी। Her skin like a newborn. क्योंकि उसकी जो त्वचा है बिल्कुल एक नवजात शिशु के समान कोमल थी। Isn't that amazing? You know, look at the quality that God gives. You know, sometimes we ignore this. We just say, चलो चंगा हो गया, इतना ही काफी है. You know, चंगा हो गया और क्या चाहिए? You know, it's like कोर से चंगा हो गया और क्या चाहिए, इतना महान काम हो गया. But you know, look at the quality that God is going to provide. God is providing this excellent quality that you can't even think of. और वहां पे क्या इस बात को आप सोचते सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर जब किसी चीज को देता है तो एक बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ में आपको देता है, जैसे कि उसने नमान के साथ में किया. तो हमें भी इसी चीज को ध्यान रखना है कि परमेश्वर जब कोई चीज देगा तो उसकी जो गुणवत्ता होगी वो बिल्कुल अलग और सबसे अच्छी होगी. ओके, नाउ इन एक्ट्स चैप्टर 3 वी फाइंड दैट द जीसस' डिसाइपल्स डू देयर फर्स्ट मिरेकल आफ्टर जीसस. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके उसके पहले अध्याय में और उसके बाकी के जो है अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह के चेलों ने भी जो है बहुत सारे चमत्कार किए यीशु मसीह के जाने के बाद. एंड व्हेन दे डिड द फर्स्ट मिरेकल, द मिरेकल ऑफ द क्रिपल्ड बेगर, और वहां पे जो हम देखते हैं कि जो पहला उन्होंने चमत्कार किया वो एक प्रकार से जो अपंग वहां पे भीख मांगने वाला व्यक्ति था उसके साथ किया. हाउ डिड ही डू द मिरेकल? तो उन्होंने कैसे किया? डिड द क्रिपल बेगर फर्स्ट स्टैंड अप? एंड देन डिड अ फिजियोथेरेपी कोर्स फॉर 1 month इन ऑर्डर टू यू नो रन प्रॉपरली? यू नो डिड ही डू दैट? You know, that's the normal medication that science offers, right? You know, you first take this first step, then the second step, then one arm, then the second arm, and slowly, slowly. You know, he was sitting like that for 30 years, and now the first time, he just jumps. He jumps. Bible says he starts jumping and goes into the temple. You see that Jesus's quality is very different. His quality is that this person would have normally not been like that. और वहां पे हम देखते हैं कि जो पहला चमत्कार वहां पे चेलों ने किया वो यही किया कि जो वहां पे वो भीख मांगने वाला व्यक्ति था जो पूरी तरीके से लकवा ग्रसित था और बैठा हुआ था वो एकदम से उठता है और एकदम से चलने लगता है. तो ये थी गुणवत्ता जो कि यीशु मसीह ने की. वरना अगर हम आपके आज के साइंस की बात करें तो वो बहुत धीरे धीरे हर प्रकार के दवा या फिर जो है व्यायाम के जरिए ठीक हो पाता, परंतु यहां गुणवत्ता देखो कि वो उठता है और उछलता हुआ जो है जय जयकार करता हुआ मंदिर में प्रवेश करता है. इवन ऑल द इयर्स दैट जीसस ओपन्ड, और यहां तक कि सारे कान भी जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने खोले. It's not like the disciples are saying, "Hallelujah, sunai de rahe, de rahe sunai." You know, it's like sometimes in healing meetings we have to do that. You know, but you know the quality of their eardrum was so good that they were immediately able to hear. That was the quality. You know, so we have to understand that our abundant God is very good in quality. Sometimes we see our abundant God only in lack, but that's not true. It's beyond lack. You know, every quality that comes in his hand, he's going to change that into super quality. और कई बार देखते हैं जो यीशु मसीह ने कान जिन जो है बहरों के जो है सही किए उनके जो कान के पर्दे थे वो इतने अच्छे हो गए थे कि कई बार हमें ऐसा होता है कि जब हम चंगाई की सभा में जाते हैं हमें जोर से चिल्ला के पूछना पड़ता है क्या तुम सुन सकते हो, परंतु वहां पे उनके कान इतने जल्दी सही हो गए और उसकी जो गुणवत्ता थी इतनी सही थी कि वो सारी बातों को तुरंत सुन पा रहे थे. Once Jesus healed somebody's eyes. और वहां पे यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की आंखों को सही किया. And he asked him, how do you see? और वहां पे जो है यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुम कैसा देख पाते हो? That person was fully blind before. और उसके पहले वो व्यक्ति जो है पूरी तरीके से अंधा था. When he starts seeing, जब वो देखने लगता है, he says that I can see people walking like trees. और वो कहता है वहां पे कि मैं देख पाता हूँ कि जो लोग है वो पेड़ों के समान चल रहे हैं. Did Jesus say, praise the Lord, दिखाई तो दिया? Jesus said that, okay, praise the Lord, at least he is able to see now. You know, because we are going to get excited that at least he's seeing. क्योंकि अगर हम होते तो हम वहाँ पे जो बहुत ही खुश हो जाते कि अरे वाह कितनी अच्छी बात है ये कम से कम देख पा रहा है. You know, at least he's seeing. You know, people like trees. हम ये कहने लगते कि चलो अच्छी बात है कुछ तो देख पा रहा है पेड़ ही सही लेकिन देख तो पा रहा है. Because he was not seeing anything.
क्योंकि इसके पहले वो कुछ भी नहीं देख पाता बट जीसस इज नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट यू नो जीसस इज नॉट ओके विद दैट नॉट कॉन्फिडेंट इज नॉट ओके विद दैट ही सेज दैट आई विल प्रे अगेन एंड देन ही प्रेड अगेन एंड देन ही वाज फुल्ली एबल टू सी और लेकिन वहां पे यीशु मसीह जो है इस बात से भी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे कि वो केवल उतना ही देख पा रहे और वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए दोबारा प्रार्थना करूंगा और जब वो दोबारा प्रार्थना करता था तो वो पूरी तरीके से देख पाता है यू सी द क्वालिटी क्या आप इस बात उसकी गुणवत्ता को देख पा रहे हो क्वालिटी इज डिफरेंट क्योंकि ये गुणवत्ता दूसरी है ये अलग है दैट्स नॉट द नॉर्मल क्वालिटी और ये जो हमारे आम जनजीवन में जो गुणवत्ता होती वो नहीं उससे बढ़कर है क्रिपल्ड बेगर व्हेन ही इज हील्ड हिज लेग्स हैव मोर पावर देन अ नॉर्मल पर्सन ऑफ हिज एज अ पर्सन हु इज हील्ड ऑफ द स्किन इन्फेक्शन हैज अ बेटर स्किन देन द पर्सन who is of the same age, you know, living in the same conditions. We see that whenever he does a miracle or whether he touches something, the quality just changes. और वहां पे हम देखते हैं कि जब वहां पे जो है चंगाई मिली उस विकलांग उस झोले के मारे हुए उस भिखारी को तो उसके अंदर जो सामर्थ्य जो ताकत थी वो उसके उम्र के बराबर से ज्यादा थी और यहां तक कि हम देखते हैं कि जब उस नमान को जब उसको कोढ़ था और उसकी त्वचा को जब चंगाई मिली तो उसकी जो त्वचा थी उसके उम्र से भी ज्यादा अच्छे लगने वाले से उसकी त्वचा थी तो हम देखते कि परमेश्वर जब गुणवत्ता देता है तो वो बढ़कर ही देता है एंड दिस क्वालिटी इज नॉट ओनली विद things that we can see or we can feel it's also about changes he can make in the heart of a person like Zacchaeus you know he was completely horrible person he was acknowledged as this is the biggest sinner of the town you know if Zacchaeus is around then people will say oh sabse bada papi is shehar ka yahi hai you know it's almost like it's a curse you know as people whenever they see him is like you know it's a horrible person and then God changes and then he becomes like the biggest what do you call entrepreneur who gives money what do you call that okay whatever you call them you know he is just becomes such a big giver हम देखते हैं यहाँ कि जब परमेश्वर किसी चीज को बदलता है उसकी गुणवत्ता को जो है उठाता है तो केवल दिखने वाली चीजों में ही नहीं होती परंतु ना दिखने वाली चीजों में भी होती है जैसे कि अगर हम बात करें जक्कई की तो जब कभी जक्कई आसपास से गुजरता था तो हर कोई बोलते थे ये तो बहुत बड़ा पापी है तो बहुत ही बुरा व्यक्ति है परंतु जब यीशु उसकी जिंदगी में आता तो उसका सब कुछ बदल जाता है और वो इतना बड़ा दानी हो जाता है कि हर कोई उसे एक दानवीर की तरह जानने लगते हैं ओके डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू नो ही गिव्स परफेक्ट क्वालिटी क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर जो है आपको सबसे उत्तम गुणवत्ता जो है देता है एंड दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स व्हेन देयर इज अ लॉन्ग वेट फॉर अ बेबी टू बी बॉर्न लाइक इन द केस ऑफ इब्राहिम और इन द केस ऑफ सैमसन्स पेरेंट्स एंड इन द केस ऑफ हन्ना सैमुएल्स मदर वी फाइंड दैट व्हेन द बेबी कम्स द बेबी इज has you know extravagant powers you know he's got something very different like Samson is the strongest person Samuel is the first kind of the first bishop or the first prophet in Israel and then we find Isaac is the son of the promise so we find that whenever God provides is his intervention is required when babies are born, these babies become very special because it reflects the quality of God. इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे उदाहरण भी हम देखते हैं जहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ पे बच्चे होने में थोड़ा समय लगा हो जैसे कि हम अब्राहम के साथ में देखते हैं या फिर हम देखते हैं सैमसन के विषय में जहाँ पे वो जो है एक मन्नत से मांगा हुआ जो है परमेश्वर का दिया हुआ पुत्र था या फिर अगर हम बात करते हैं शमुएल की जो कि हन्ना की बहुत कठिन प्रार्थना के बाद हुआ था हम इन इन विषय में देखते हैं कि वहाँ पे शमुएल जो है वो पहला भविष्यवक्ता बना सैमसन जो है सबसे बड़ा सामर्थी जो है योद्धा बना और जो इसहाक है वो एक आशीष की संतान बना तो देखते कि जहाँ कहीं किसी बात में कहीं अगर देरी भी है और परंतु परमेश्वर वहाँ पे अगर आप आगे रखते हो परमेश्वर वहाँ पे आपके साथ में आता है तो वहाँ पे भी चीजें जो है एक अलग तरीके से बढ़ जाती है हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द न्यू मूवी कॉल्ड मिमी on Netflix. Anybody? Okay, if you have not seen it, see it. You know, Netflix is expensive, I understand. But, you know, later on, maybe, you know, you can get it somewhere. तो आपको अगर मौका मिलता है उसे देखने का तो आप उसे देख सकते हैं जहां कहीं से भी In that movie, there's a surrogate baby born. So, it's like the mom delivers the baby, but the parent is somebody in US who has actually, you know, wants a surrogate baby.
तो हम देखते हैं कि उस फिल्म में जो ये दिखाया गया है कि जो वहाँ पे माँ है वो सरोगेसी के थ्रू जो है वहाँ पे उसको बच्चा होने वाला होता है, परंतु जो उसके जो पिता है जिन्होंने सरोगेसी के थ्रू उसे वहाँ पे पैदा करने के लिए कहा है, वो किसी और देश में रहते हैं. एंड व्हेन द बेबी इज बॉर्न द एंटायर नेबर थिंक्स दैट यू नो शी हैज अ हस्बैंड देयर, एंड व्हेन दे लुक एट द बेबी दे लुक एट, अरे ये तो इनका बच्चा ही नहीं है. You know, it's like the face doesn't match. और जितने भी उसके आस पड़ोस के लोग रहने वाले थे, जब वो बच्चा होता है तो हर को यही बोलते हैं कि ये तो बहुत अलग दिख रहा है और शायद इसका इनका बच्चा भी ना हो. It's like they figure out that you know in the entire of our area there's no baby like this. और वो इस बात को फिर समझते हैं कि उनके पूरे इलाके में जो है इस बच्चे के समान सुंदर बच्चा शायद नहीं है. We had one experience. There was once you know Rachna's friend who got married, and she was praying for a baby, and Rachna also prayed, and they prayed together as friends, and the baby that was born was so amazing. Is like the neighbor said that you know this baby can't be yours. You know, it's almost like we can see the skin, the face, and you know, jo kehte hai na naak naksha itna acha hai. You know, almost they said that you know this is a special baby born. और मुझे अच्छे से याद है कि रचना की एक सहेली है, वो जो है उस समय प्रार्थना कर रही थी एक बच्चे के लिए, तो रचना ने वहाँ पे प्रार्थना की थी और जब वो बच्चा हुआ था तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये बच्चा इतना सुंदर है हम मान ही नहीं सकते या हमें लगता ही नहीं कि आपका बच्चा होगा, you know, क्योंकि उसके नाक नक्श बहुत अच्छे थे. एंड लेटर ऑन यू नो दे डिडंट इन्वॉल्व जीसस इन द सेकंड बेबी बिकॉज यू नो दे डिडंट एक्सेप्ट जीसस एंड देन द सेकंड बेबी वाज बोर्न प्रीटी नॉर्मल. इट्स लाइक नॉर्मल, अरे ये तो नॉर्मल हो गया. यू नो इट्स ऑल दैट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑल द नेबर्स. और यहाँ होकर जब वो दूसरा बच्चे के बारे में सोच रहे थे और जब वो बच्चा हुआ तो वो इतना साधारण हुआ कि उनको लगा रहे तो बहुत साधारण ही हुआ, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को जो है वहां पे नहीं अपनी जिंदगी में अपनाया था. आई वॉन्ट टू इनकरेज यू दैट गॉड इज गोइंग टू चेंज सम क्वालिटी इन योर लाइफ. मैं आपको इस बात से जो है आपको जो है प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर जो है आपकी जिंदगी में सारी बातों की गुणवत्ता को जो है बढ़ाएगा. आई रियली विश someone would have written about the taste of that fish that Jesus created, or you know how long did that crippled beggar you know run or walk in his life, but we don't have that data. But I really believe that when God heals and God touches, then the quality of that product or that organ or your body just goes beyond. और मुझे बहुत ही जो दिली तमन्ना थी कि अगर वहाँ पे कोई लिखता कि जो यीशु मसीह ने उस मछली को वहाँ पे उत्पन्न किया उसका स्वाद कैसा था, या फिर कोई ये लिखता कि जो विकलांग को चेलों ने जो चलाया था तो वो कितने दिन तक चला और कैसे चला, तो हमें पता चलता कि क्या गुणवत्ता थी. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो जो कोई कार्य हमारे जिंदगी में करता है वो सारी की सारी बातें जो है अति गुणवत्ता के साथ हमारे साथ रहती है. ओके, नाउ द सेकंड थिंग. अब दूसरी बात, whenever he does things, जब कहीं परमेश्वर कोई बात करता है, he does abundance of quantity also. वो जो है बहुतायत के साथ में जो है उसकी संख्या को भी बढ़ाता है. Lot of times we pray, प्रभु बस एक ये चीज कर दे, बस ये छोटा अमाउंट दे दे या ये छोटा चीज दे दे. You know, lot of times we pray like that. बस इतना सा तो मांग रहा हूँ प्रभु जी. You know, it's like this is a small thing I am asking. You know. But our God is very, very different. He believes in giving surplus quantity. पर हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही अलग तरीके से कार्य करता है और वो जो है बहुतायत के साथ आपको देने की इच्छा रखता है. Okay, how do we know this? हम कैसे जानते हैं उसे? That 5,000 people. वहाँ पे 5,000 लोग थे. You know, he could have given a हल्दीराम थाली to everyone. और वहाँ पे हल्दीराम की जो थाली है वो हर किसी को वहाँ मिल जाती. You know, it's like everything packed, one tray each one. और ऐसा होता कि हर चीज जो है वो थाली बिल्कुल एक थाली होती, अच्छे से पैक होती और सबके लिए एक एक होती. Everyone would have got their exact portion. और हर किसी को जो जितना उनको चाहिए केवल उतना ही मिलता. But what did God do? लेकिन परमेश्वर ने वहां क्या किया? He made them eat to the full. और वहां पे यीशु मसीह ने उन्हें जो है बिल्कुल पेट भर खिलाया. And then there were 12 baskets of surplus left. वहां देख के उसके 12 टोकरियां जो है वहां इकट्ठा की गई बचे हुए खाद्य पदार्थ की. Why does God want this Indian mentality? थोड़ा बांध के दे दो, घर पे दे दो, कल सुबह खा लेंगे, घर में बच्चे हैं. You know, all these. Was he aware of all this? You know, I believe that his quantity in giving in abundance, it's a proof in that miracle.
इसलिए हम देखते कि वहां पे जब जो बहुतायत के साथ में वहां पे जो 12 टोकरियां जो है वहां पे इकट्ठा की गई थी, वो एक उदाहरण है कि जब वो देता है तो बहुतायत के साथ देता है कि वो हमारे क्षमता से ज्यादा रहता है. दैट्स व्हाई यू नो मेनी पीपल इन द बाइबल हैव समटाइम्स यू नो बीन थर्स्टी एंड दे हैव कॉल्ड ऑन द लॉर्ड दैट लॉर्ड प्रोवाइड मी वाटर. इसलिए हम देखते हैं कि कई बार जो है बाइबल में कई उदाहरण ऐसे हुए कि जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने परमेश्वर से गुहार लगाई है कि परमेश्वर तो हमें पानी दे. डिड गॉड जस्ट थ्रो टेक टू बिस्लरी बॉटल्स? क्या परमेश्वर ने वहां पे ऐसे कहा ठीक है ये दो बिस्लरी बॉटल पकड़ो? ओ 5 लीटर बिस्लरी, ये लो 5 लीटर बिस्लरी की बॉटल पकड़ो. बिकॉज यू नो दे आर एनीवेज ट्रैवलिंग, दे आर इन द पाथ ऑफ ट्रैवल एंड दे जस्ट नीड वाटर दैट टाइम. और क्योंकि कुछ भी हो वो वहां पे जो है एक यात्रा में जा रहे थे और जब यात्रा में जा रहे थे तो उन्हें अलग अलग जगह पे पानी की जरूरत थी. एंड एवरी टाइम गॉड प्रोवाइडेड वाटर दैट स्ट्रीम दैट गॉड प्रोवाइडेड जस्ट फॉर दैट टाइम इज रनिंग टिल डेट. यू नो इज लाइक द फाउंटेन दैट ही क्रिएटेड दैट टाइम फॉर जस्ट 3 bottles ऑफ वाटर इज कंटिन्यूइंग टू गो इन टू अ रिवर इवन टिल डेट. यू नो यू कैन चेक हिस्ट्री बुक्स, यू विल फाइंड आउट दैट हाउ दिस स्ट्रीम वॉज क्रिएटेड. दिस वॉज क्रिएटेड यू नो वेन Ishmael was thirsty or mother was thirsty and the Jews were thirsty and that time God provided that fountain which is so brilliant that God did not say, oh let me just provide for 4 hours, let me just throw Bisleri bottles. That's not God's agenda. He provided that fountain which is still running. इसलिए हम देखते हैं कि जब कभी लोगों ने वहां पे गुहार लगा और परमेश्वर ने जल के स्रोतों से जो तृप्त किया तो ऐसा ही नहीं कि केवल उसी समय के लिए था या कुछ घंटों के लिए था या कुछ समय के लिए था, परंतु वो आज दिनांत तक वो सोते वहां पे जो है उपस्थित है और आज भी वहां से जो है पानी फूटता रहता है और पानी निकलता रहता है वहां पे. जैसे कि हम देखते हैं कि जहां जब इश्माइल के समय में जब गुहार लगाई गई थी तब परमेश्वर ने सोता दिया और फिर जब यहूदियों ने जो है परमेश्वर से प्रार्थना की थी तो जब झरना परमेश्वर ने उस पत्थर से निकाला वो आज भी बहता है. यू सी दिस? You see God's quality and quantity. We saw quantity, quality, and now we are seeing quantity. तो पहले हमने जो है गुणवत्ता को देखा और अब हम संख्या को देख रहे हैं कि कैसे बहुतायत से परमेश्वर देता है. Yeah, God is going to provide in abundance. क्योंकि परमेश्वर जो है हमेशा बहुतायत से आपको कोई भी चीज देने को इच्छुक है. Once Hannah used to pray to God. हन्ना जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. Give me one child. उसने यही केवल प्रार्थना की कि मुझे केवल एक बच्चा चाहिए. Give me one child, I would be happy. और उसने कहा कि मुझे केवल तो एक बालक दे दे और मैं जो है प्रसन्न हो जाऊंगी. Give me one child, I'll give it back to you. तू मुझे वो केवल एक जो है बालक दे दे और मैं तो वापस जो है वो बालक तुझे समर्पित कर दूंगी. How many God gave her? परंतु परमेश्वर ने उसे कितने दिए? God gave her 5. परमेश्वर ने जो उसे 5 बच्चे दिए. Okay. One was called to the temple, 4 others, you know, she got 4 more. और एक जो है परमेश्वर ने जो है वापस उसे अपने मंदिर में बुलाया और बाकी 4 जो है उसके संग रहे. What does it tell us? ये हमें क्या बताता है? Our God is not a hostel warden. और हमारा जो पिता है वो किसी hostel warden की तरह नहीं है. It's not like the Independence Day लड्डू. या फिर जो है स्वतंत्रता दिवस में मिलने वाले लड्डू के समान. लड्डू समोसा वी यूज टू गेट इन आवर स्कूल, यू नो, लड्डू समोसा, 1 लड्डू 1 समोसा, यू नो, मेक श्योर 1 लड्डू 1 समोसा. कि आपको जो है केवल एक लड्डू या एक ही समोसा मिलेगा जब कभी आप जाओगे तो. और इवन व्हेन इन चर्च यू नो व्हेन वी गेट द सेम नंबर ऑफ समोसा एज द नंबर ऑफ पीपल. गॉड इज नॉट लाइक दैट. यू नो He is going to order in surplus. That's what he shows when he fed the 5,000 and the 7,000. जब अगर हम कलीसिया की बात करें, हम कलीसिया में अगर समोसे मंगाते हैं तो केवल जितने लोग हैं उसके अनुसार मंगाते हैं, परंतु पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है. वो जब कभी आपको देना चाहता है तो बहुतायत के साथ और अच्छी मात्रा में देना चाहता है. Okay, now the last point. और आखिरी जो है वहां पे ये बिंदु. I want to tell you that when God gives, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर देना चाहता है, He gives with lot of power. जब आपको देना चाहता है तो बहुत सारी सामर्थ्य के साथ आपको देना चाहता है. You know, you would be thrilled by what God can do. आप वहां पे जो है बिल्कुल अचंभित हो जाओगे इस बात को देखकर कि परमेश्वर कैसे और क्या करता है. Okay, once Elijah called people of Baal at Carmel, at Mount Carmel, to prove that God of Israel is the real God. और वहां पे हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता है वहां पे उसने जो है बाल देवताओं के सम्मुख जो है सबको बुलाया और उसने ये कहा कि आओ और तुम देखो परमेश्वर की सामर्थ को. And the challenge was that each group makes a sacrifice and whichever God responds by fire, that would be the real God. और वहां पे जो है उसने उन्हें चुनौती दी कि तुम जो है अपने भगवानों की जो है वहां पे उपासना करो और मैं भी करूंगा और हम में से जिसका पर भगवान यहाँ पे आएगा और इस आग को जलाएगा वही सच्चा भगवान होगा. By the way, Baal is a god of water and fire.
और वहां पे आपको बता दो कि जो बाल देवता है वो आग और पानी का देवता है. So actually Elijah challenged them on their own forte. और वहां पे उन्होंने जो है इसलिए उसको चुनौती भी इसी रूप में दी. Okay, so now the scene is ready and you know the prophets of Baal they go first and they make a sacrifice and they keep on calling their god send fire nothing happens. और वहां पे ऐसा होता है कि जो बाल देवता के पुजारी है वहां पे वो जो है लकड़ी के चारों ओर जो है वेदी के पास जाते हैं और वहां पे जो है वो लोग उपासना करते हैं कि तू आग दे परंतु कुछ भी नहीं होता. You know at that time Elijah, what is Elijah doing? तो वहां पे जो है Elijah क्या कर रहा था? He's doing two things. वहां वो दो चीजें कर रहा था. First he's taunting. वो जो है वहां पे उन्हें ताना मार रहा था. Constant commentary. Talk more, talk louder. और वहां पे वो लगातार उन्हें जो है एक प्रकार से कमेंट्री दे रहा हो कि अच्छा थोड़ा और जोर से करो, अच्छा थोड़ा और जोर से करो. एंड द सेकंड थिंग, और जो दूसरी बात, ही इज वॉचफुल, कहीं आग खुद से ना लगा दे. और वो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखे कहीं ऐसा ना हो कि कोई जाके आग खुद से लगा दे. You know, so two things, you know, that's why he told them, you know, once you pray to your God, do not put any fire. और इसलिए उन्हें कहता है कि तुम अपने भगवान की जो वहां पे उपासना करो परंतु आग खुद से मत लगाना. Okay, now it's Elijah's turn. अब यहां पे जो है Elijah की बारी है. Okay. Whenever there's fire, what do? जब कभी आग लगती है आप क्या करते हैं? पानी डालते हैं, राइट? आप पानी डालते हैं. Everybody knows this. हर कोई जानता है ये बात. और अगर लकड़ी गीली है तो आग नहीं लगता है. If the wood is wet, there will be no fire. You know, it's like anywhere there's water, very difficult, you know, to have fire there. अगर कहीं पे पानी है आसपास अगर आप आग जलाना चाहेंगे तो वहां पे बहुत मुश्किल से आग जलेगी. You know what Elijah does? तो वहां पे जो Elijah ने क्या किया? Elijah says that pour water 12 times. वहां पे वो उनसे कहता है कि तुम 12 बार जो है इस लकड़ी और वेदी के ऊपर में पानी डालो. To the extent that there's almost like a well of water, you know, around that offering, you know. He tells them to dig. And there are rocks there and he tells them to dig and that whole dugout area is filled with water. That much water he has made them pour out. और वहाँ पे जो है उस वेदी के आसपास जो है एक गड्ढा नुमा जो है वहाँ वो बन जाता है और वहाँ पे जो कहता है कि तुम जब पानी डालते हो तो इतना डालो कि वो गड्ढा भी भर जाता है और लकड़ी पूरी गीली हो जाती है. Praise God, I was not there. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वहाँ नहीं था. Else I would have told Elijah. मैंने तो Elijah को कहता. What if God replies with this much fire, you know it's and you have made everything wet, you know what's the point? हो सकता है कि मैं उसे कहता कि अगर क्या होगी परमेश्वर केवल इतनी सी आग जो है वहाँ भेजे और आग ही नहीं जलेगी क्योंकि इतना तो पानी है वहाँ पे. Some Indians would have been very जुगाड़ू, लाइटर से हम कर देंगे, प्रभु के लिए कर रहे हैं. और कुछ अगर हम भारतीय जैसे तो हम लाइटर से आग जाके बोलते हैं कि अरे आग जला दी प्रभु के लिए कर रहे हैं. You know it's like we will do this, you know, let God's name. What if Jesus doesn't respond this time in fire? और हम जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल कुछ भी करेंगे क्या पता परमेश्वर हमारा जो उत्तर ना दे. अगर तो all kinds of you know is like strategies how to get fire. और हम जो हर प्रकार से जो तिकड़म लगा रहे होते कि कहीं ना कहीं से हम खुद आग जला लें. Elijah does the opposite. लेकिन वहां पे Elijah उसके ठीक विपरीत करता है. What's the point in pouring out so much water? वो क्यों ऐसा करता है कि इतना ज्यादा पानी वहां पे जो है वो डलवाता है? What is he trying to do? Is he over testing the Lord? क्या ऐसा है वहां पे क्या बताना चाह रहा है? क्या वो ऐसा है कि वो परमेश्वर को अति रूप में परख रहा है? If he doesn't even pour out one mug of water, then also it's fine, you know, no problems. And God could have responded. और वहां पे अगर वो अगर एक मग का पानी भी नहीं डालता तो भी कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर उसकी जरूर सुनता. बट Elijah न्यू दैट माय गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंस. परंतु व्हेन ही इज गोइंग टू प्रोवाइड फायर दैट्स गोइंग टू बी इंटेंस, दैट्स गोइंग टू बी सुपर, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग ball of fire that's not only going to take care of the sacrifice, it's going to consume all the rocks and all the water and the entire ground. और वहां पे जो है Elijah को ये बात पता थी कि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है. उसे इस बात में विश्वास था कि जब परमेश्वर अपनी आग भेजेगा वो उतनी तेज होगी, इतनी तीक्ष्ण होगी कि वो केवल लकड़ियां ही नहीं परंतु वेदी के आसपास के पत्थर तक को जो है वहां पे भस्म कर देगी. What does it tell us? तो ये हमें क्या बताता है? If you are going to be hit by God's fire, कि अगर आप जो है परमेश्वर की उस अग्नि से जो है अगर आप जो है वहां पे आप उसे लेने वाले हैं, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. तो ये छोटी मोटी बात नहीं. He works in big proportions. क्योंकि परमेश्वर जो है बहुतायत के साथ और बड़ी चीजों में जो है वहां पे सारी बातों को करता है. When he gave the Holy Spirit to the disciples, जब वहां पे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को जो है पवित्र आत्मा से भरा, he did not just pour out, you know, oh, be filled with the Holy Ghost, no one gets to know. और
इस तरीके से नहीं किया कि अच्छा तुम जो है पवित्र आत्मा से भर जाओ और किसी को पता भी नहीं चलेगा. The entire city got to know that they have been filled with something which is godly. और पूरे के पूरे शहर को जो है वहां पे पता चला कि हाँ कुछ अति अलग कुछ हुआ है और हर कोई जो वहां पे परमेश्वर की सामर्थ से भर गया है. I want to encourage you this evening. इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा आज की शाम. Are you ready for this abundant God who works with this kind of quality, this kind of quantity and this kind of power? क्या आप तैयार है अपनी जिंदगी में उस बहुतायत को स्वीकार करने के लिए और एक बहुतायत की संख्या को स्वीकार करने के लिए, एक गुणवत्ता को और वो सामर्थ को स्वीकार करने के लिए? इट्स माई टेस्टिमनी दैट व्हेन गॉड हील्ड माई लंग्स आई फिगर्ड आउट दैट My lungs is better than anybody's lungs. और मैंने जो है अपनी जिंदगी में इस बात को देखा है कि जब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरे फेफड़ों को चंगा किया, तो मैंने इस बात को देखा कि मेरे फेफड़े जो है बाकी किसी के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं. And I want to encourage you that you know you should have everyone should all of us you know and I know plenty of you would have already had testimonies but I want to tell you that you know you must focus on that you know invite Jesus to touch your wine invite Jesus to you know touch your finances invite Jesus to pour out in that kind of quantity and trust the Lord change your prayer style understand what big magnificent God that you are serving and your prayer language will also change aur isliye jab aap kabhi parmeshwar se jab prarthna kar rahe ho to aap parmeshwar se mangiye ki parmeshwar tu mere khaton ko chu tu mere finances ko chu aur tu meri बातों को जो मेरे पास ने दी उन सारी बातों को छूकर तू मुझे बहुतायत में और अच्छी गुणवत्ता में और अच्छे सामर्थ के साथ जो तेरे ओर से आता है तो उसमें मुझे चला. Can we all stand? आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं. And let's just pray. और आइए हम प्रार्थना करें. Thank you, Father. All the people watching me online, you can also pray right now. धन्यवाद करते हैं पिता और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी जो है आप प्रार्थना में हमसे जुड़ सकते हैं. Father Lord, we come before you. धन्यवाद पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं. We truly understand. हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं. That you are an abundant God. कि तू जो है बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है. My God is a big God. मेरा परमेश्वर एक बड़ा सामर्थी परमेश्वर. Can you say that right now? आप क्या इस बात को कहें? My God is a big God. मेरा परमेश्वर विशाल परमेश्वर है. And can you tell the Lord that Lord, whatever I am waiting for, I am going to get it in maximum quality and maximum quantity. और क्या आप परमेश्वर को इस बात को कहे कि परमेश्वर जिस चीज की भी मैं बात जो रहा हूँ उस चीज को तू जो मुझे पूर्ति करता है तो बहुत आयत के साथ और बहुत सामर्थ के साथ वो मुझे देता है. Lord, I am not going to be okay with just small portions, Lord Father, as you are an abundant God, we have just learned that when you provide, you just fill that area. और मैं जो है केवल थोड़े में ही संतुष्ट ना हो जाऊं परंतु इस बात को मैं समझूं कि जब तू देता है तो बहुतायत के साथ और जो है उसे एकदम उंडेलता हुआ देता है. इस बात के ऊपर मैं विश्वास रखकर तुझसे चीजों को मांगू. थैंक यू लॉर्ड दैट व्हेन यू पोर्ड आउट मन्ना ऑन योर पीपल इट वॉज नॉट वन पर्सन वन स्लाइस ऑफ मन्ना बट इट वॉज so much in surplus that people had to leave people didn't have the energy to collect it all it was so much in abundance lord I pray for that maine is baat ko dekha hai ki jab tune apne logon ko manna diya to keval aise nahi ki keval thode se mein ya fir ek ya do hi jo hai khane ke hisab se diya parantu tune bahutat ke sath manna diya ki wo itna manna tha ki wo ikhatta bhi na kar pate the lord I pray right now for each one right now इसलिए मैं धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो उपस्थित है. Lord, there might be many things that they are waiting for. और हो सकता है कि वो बहुत सारी बातों की जो है वहाँ पे बाट जो रहे हो. Can you just remember all the things that you are waiting for? और यहाँ पे जो है आप उन सारी बातों की जो है वहाँ पे चीजों को याद कर सकते जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो. Like in that party, they were waiting for wine. जैसे कि उस बड़े भोज के समय में जो है वो वहाँ पे दाखरस का इंतजार कर रहे थे. They were waiting for a meal, 5,000 people. और वहाँ पे 5,000 लोग तो जो खाने का इंतजार कर रहे थे. Naaman was waiting for his healing. और नमान जो है वहां पे अपनी चंगाई के लिए जो है वहां पे इंतजार कर रहा है. मेबी यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब यू आर वेटिंग फॉर अ स्पाउस यू आर वेटिंग फॉर अ मैरिज यू आर वेटिंग फॉर अ चाइल्ड यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब चेंज यू आर वेटिंग फॉर फ्रेश रेवलेशन यू आर वेटिंग फॉर रिकंसिलिएशन इन रिलेशनशिप व्हाट आर यू वेटिंग फॉर और हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रहे हो सकता है कि एक जॉब का या फिर नई जॉब का या फिर हो सकता है कि अपने होने वाले जीवन साथी का या फिर हो सकता है पढ़ाई में या फिर हो सकता है कि किसी और बात में घर में या फिर और भी बातों में आप इंतजार कर रहे हो. आप किसी भी चीज का इंतजार क्यों ना कर रहे हो. I want to tell you God's going to provide in quality, quantity and power.
इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब आपको पिता परमेश्वर जो है वो देगा, वो बहुतायत के साथ में एक अच्छी संख्या में और उसमें सामर्थ होगा, इस तरीके से परमेश्वर आपके उस इंतजार को पूरा करेगा। Raise your faith right now. आप अपने जो है विश्वास को बढ़ाएं। Come on, church, let's stretch forth our hands towards heaven, receive it. आप जो है अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उसे जो है आप ग्रहण करें। Tell the Lord, Lord, I receive this abundance, abundant blessing. Lord, change my mindset. Change my mindset, Lord. ओ पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ तेरी सारी बातों को जो तूने मुझे दिया है, और तू मेरे जो है उस मानसिकता को बदल रहा है, और तू उसे बहुतायत से जोड़ता है अपने, और तू अपनी सारी मेरी सारी बातों को स्वर्ग राज्य से पूरा करता है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम। Amen. God bless you. Amen. Parmeshwar aapko aashishit kare. Amen. Amen. Praise the Lord. If you want to give unto the Lord, we have the bags and the swipe machine, all those online. If you wish to give, you have the bank details of the church and the UPI number. But it's not mandatory to give. Feel free to give unto the Lord as per your own free will. ये समय है देने का, जिस किसी को भी जो है अपने दान और दशांशों में से देना है वो जो है यहाँ पे पास बैग और स्वाइप मशीन रखी हुई है, तो आप इसमें जो है दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी जो किसी को अगर देना हो तो उनके पास में वहाँ पे सारी डिटेल्स है, तो आप दे सकते हैं। कोई आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है, आप अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें।